हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था कि आप अपने फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट में कैसे नया बैंक अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब मैंने वहां पर आपको, अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपके फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट में अगर आप कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, तो मैंने उसमें बताया था सारा कुछ डिटेल में, आप वीडियो को देख लीजिएगा। और उसमें मैंने जब देखा है तो आपको बताते हुए मैंने जब बोला था कि जब मैंने बैंक अकाउंट डाला था तो वहाँ पर जब मैंने सेव किया था तो वो वहाँ पर से मैंने बोला था कि उसमें आपका बैंक अकाउंट और आपका नाम दोनों एक सेम होना चाहिए, तो वो लोग वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने जैसे वो डाला तो उसको डालने के बाद मुझे एक से दो दिन के बाद मुझे फ़ोनपे की तरफ से कॉल आया। तो कॉल में उन्होंने मुझे बोला कि आपका एक टिकट जनरेट हुआ है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या हुआ था। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने प्रोफाइल सेक्शन पे आ जानी है। फिर आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अपने हेल्प वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक टिकट जनरेट किया गया है जो कि फ़ोनपे की तरफ से है, जिसमें आप अपना एक इशू एरेज किए थे कि जिसमें कि आप अपना बैंक अकाउंट नया ऐड करना चाहते थे, तो वो फ़ोनपे की तरफ से आपका एक टिकट जनरेट किया गया। तो देख सकते हैं, मैं हेल्प वाले सेक्शन पे आता हूँ तो ऊपर में साइड में एक व्यू टिकट का एक ऑप्शन है जो कि जनरेट किया गया फ़ोनपे की तरफ से, उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो अब उस टिकट में है, देख सकते हैं टिकट और बैंक अकाउंट, देख सकते हैं MK बैंक अकाउंट चेंजिंग प्रोजेक्ट ऐसे नाम से कुछ एक टिकट जनरेट किया गया है। आप देख सकते हैं संडे 30 मई को ये जनरेट किया गया है। तो अवेयर फॉर रिप्लाई स्टेटस जो है वो रिप्लाई के लिए यहाँ पर वेटिंग में है। तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट चेंज करने का क्या क्या प्रोसीजर है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कैसे सारा कुछ फिल करना है। अब वो सेकंड प्रोसेस जो होने वाला है वो अभी इस वीडियो के माध्यम में मैं बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बैंक अकाउंट का जो बैंक अकाउंट चेंजिंग प्रोजेक्ट, आपका टिकट नंबर दिया गया है और यहाँ पर फ़ोनपे की तरफ से बताया जा रहा है कि अपना आपका नाम हायांकी, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग फ़ोनपे एज़ पर आवर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग योर रिसेंट क्वेरी द टिकट आईडी, आपका टिकट आईडी यहाँ पर दिया गया है मेरा, वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर रिलेटेड बैंक डॉक्यूमेंट्स इन द टिकट विच आई विल क्रिएट ऑन योर बिहाफ, यू हैव टू गो टू व्यू टिकट ऑप्शन इन फोनपे बिजनेस ऐप एंड अपलोड एनी वन ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट्स। बताया जा रहा है कि आपका जो क्वेरी था जिसमें जो बैंक अकाउंट चेंज करने वाला था, इसमें आपका टिकट आईडी जनरेट किया गया है, जैसे कि मैंने हम लोगों ने आपको फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन में बताया गया था। उन लोगों की तरफ से मैंने जैसे कि बताया कि फ़ोन किया गया था मुझे, उन लोगों ने मुझे बताया कि आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ रिप्लाई करते हुए देख सकते हैं, इसमें आप अपना चेक योर बैंक अकाउंट होल्डर नेम एंड अकाउंट नंबर प्रिंटिंग, ये सब चेक करके इसका बैंक अकाउंट का पहला वाला जो पन्ना होता है खाता का, अपना जैसे पासबुक होता है उसका, आप वो भेज सकते हैं जो बैंक अकाउंट आपने ऐड करने के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट किया है। ए बैंक स्टेटमेंट साइन एंड सील्ड बाय द बैंक, वो आपको वो भी देना है, और द बैंक पासबुक अटैच विथ सील्ड बाय द बैंक, सारा कुछ यहाँ पर जो स्टैम्प सारा कुछ लगा हुआ रहता है वो बैंक का, आपको पासबुक का आपका फ्रंट वाला जो होता है पन्ना उसका भी फ़ोटो यहाँ पर देना है। ए बैंक लेटर विद द अकाउंट डिटेल, बेनिफिशरी नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, सारा कुछ यहाँ पर जो जैसे कि मैंने बताया वो आप यहाँ पर, आप चेक भी आप दे सकते हैं, वो अकाउंट में कैंसिल चेक विद द अकाउंट, सारा कुछ यहाँ पर आपको दे सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर बताया गया होगा कि आपको देखना होगा कि क्या आपका जो ऑप्शन है किस किस चीज़ को आप यहाँ पर से आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सबको एक ही चीज़ बताया गया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे रिप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली ऐसे रिप्लाई पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऐड या फाइल का एक ऑप्शन आता है, तो फाइल को ऐड करना है। तो मेरा तो मैंने तो फ़ोनपे पेटीएम बैंक को यहाँ ऐड किया करने के लिए मैंने डाला था। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो भी आपका जो बैंक अकाउंट है उसका पासबुक का फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद अटैच ए फाइल का जैसे ऑप्शन आता है, और वैसे ही क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोन है सीधा आपका फ़ोन में वहाँ से फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर से आप उसको अपलोड करके यहाँ पर रिप्लाई वाला ऑप्शन पर जो नीचे आपको दिख रहा है सिंपली उस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका फ़ोटो वहाँ चला
जाएगा वो कुछ दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा कि आप कौन सा बैंक अकाउंट ऐड जो करना चाहते थे अपने फ़ोन पे बिज़नेस में वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे टेक वाले वीडियोज़ और अर्निंग के रिलेटेड वाले वीडियोज़ आते रहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना करें और हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।